लेकिन अब मैं उन्हीं के मिसरे से उनके साहबजादे का इस्तकबाल कर रहा हूं कि तुम दिल में तकब्बुर ना बिठा लेना, कहीं फंदे में ना गर्दन को फंसा लेना, कहीं हक भाई का जो मारे हुए बैठे हो अब्बास का परचम ना उठा लेना, कहीं हक भाई का जो मारे हुए बैठे हो अब्बास का परचम ना उठा लेना कहीं। आइए रजा मौरानवी साहब के इन मिसरों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम मोहिब मौरानवी साहब से एक बुलंदतरीन नारे सलवासों का इस्तकबाल करें, और अगर नौजवान थोड़ी सी बात मान ले, और मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन अगर जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है इतनी देर में तो 7-8 बार चाय पी जा सकती है, जो अफराद चाय पीने गए उनसे गुजारिश है कि वापस फर्श मसरत पर आए। एक बुलंदतरीन नारे सलवा हाजरीन महफिल सलाम अलैकुम। शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया। देखिए मैं यहाँ तो मेज़बान की हैसियत रखता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोग की समातों पे जहमत बन के यहाँ खड़ा नहीं रहूँगा, सिर्फ 5 से 6 मिनट बस, उसके बाद हमारे बैरूनी शुरा यहाँ मौजूद हैं मोतबर शुरा, आप उनको समात कीजिएगा तबर्रुकन मौला की बारगाह में। बिना किसी तमहीद के 4 मिसरों से आगाज़ कर रहा हूँ। अनीस भाई 4 मिसरे। एक नूर है जमीन से ताहद आसमां। देखिए ये 4 मिसरे इस नूरानी महफिल के नाम, यहीं से मैं आगाज कर रहा हूं। कामयाब भैया बैठ जाइए। एक नूर है, एक नूर है जमीन से ताहद आसमां, जैसा सहर का रंग था वैसी ही शाम है। एक नूर है, एक नूर है जमीन से ताहदे आसमां, जैसा सहर का रंग था वैसी ही शाम है। ये जश्न है खतीबे सलूनी के लाल का, ये जश्न है खतीबे सलूनी के लाल का, इस वास्ते लबों पे खामोशी हराम है। एक नूर है जमीन से एक नूर है जमीन से ताहदे आसमां, जैसा सहर का रंग था वैसी ही शाम है। ये जश्न है खतीबे सलूनी के लाल का, ये जश्न है खतीबे सलूनी के लाल का, इस वास्ते लबों पे खामोशी हराम है, इस वास्ते लबों पे खामोशी हराम है। इंतकामे खूने सरवर ले लिया मुख्तार ने, सुनिएगा अनीस भाई, इंतकामे खूने सरवर ले लिया मुख्तार ने, हाँ मगर ये एक ही रुख है अभी तस्वीर का। इंतकामे खूने सरवर ले लिया मुख्तार ने, हाँ मगर ये एक ही रुख है अभी तस्वीर का। आप पिला दे जुल्म को ए वारिसे खूने हुसैन, पानी बाकी है अभी अब्बास की शमशीर का। आप पिला दे जुल्म को ए वारिसे खूने हुसैन, पानी बाकी है अभी अब्बास की शमशीर का, पानी बाकी है अभी अब्बास की शमशीर का। 4 मिसरे अमर भाई समाप्त करें। जो मकसदे शहे करबो बला समझते हैं, जो मकसदे शहे करबो बला समझते हैं, वो वाजिबात का भी मर्तबा समझते हैं। जो मकसदे शहे करबो बला समझते हैं, वो वाजिबात का भी मर्तबा समझते हैं। जो हाथ मातमे सरवर में उठ नहीं सकते, जो हाथ मातमे सरवर में उठ नहीं सकते, हम ऐसे हाथों को तब्बत यदा समझते हैं। जो हाथ मातमे सरवर में उठ नहीं सकते, हम ऐसे हाथों को तब्बत यदा समझते हैं। जो हाथ मातमे सरवर में उठ नहीं सकते,
हम ऐसे हाथों को तब्बत यदा समझते हैं। ये मेरी ख्वाहिश पड़ती है, चार शेर। हम ऐसे हाथों को तब्बत यदा समझते हैं। हमारे बड़े भाई अनीस भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी उनका हुक्म है। बहरहाल नहीं नहीं सर, आप बड़े भाई हैं। आप देखिए मतला, उसके बाद जहमत तीसरे और चौथे मिसरे के लिए, ठीक है, समाप्त करिएगा। सुनिएगा कमर भाई, सुकूते जिक्र बराए बयां उतारा गया, सुकूते जिक्र बराए बयां उतारा गया कि आज अर्श तहे आसमां उतारा गया, सुकूते जिक्र बराए बयां उतारा गया कि आज अर्श तहे आसमां उतारा गया, अली के बुग्ज की मिट्टी पे बैठने वाले, सुनिएगा, अली के बुग्ज की मिट्टी पे बैठने वाले, तुझे पता है सितारा कहाँ उतारा गया। सुकूते जिक्र बराए बयां उतारा गया, सुकूते जिक्र बराए बयां उतारा गया कि आज अर्श तहे आसमां उतारा गया, अली के बुग्ज की मिट्टी पे बैठने वाले, तुझे पता है सितारा कहाँ उतारा गया, तुझे पता है सितारा कहाँ उतारा गया। एक मतला और चार शेर की जहमत है, उसके बाद आप बैरूनी शुरा को समाप्त करिएगा। जहमत तमाम, सिर्फ एक मतला चार शेर, और ये एक मतला चार शेर बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ। एक एक मिसरे पे आप हमारे साथ रहिएगा। आप उमूमन मुझे सुना करते हैं, मेरी शायरी के मिजाज से भी वाकिफ़ हैं, मैं आप लोग की समातों से भी वाकिफ़ हूँ। हाजिर कर रहा हूँ अख्तर भाई, सुनिएगा। अनीस भाई बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ। वफा ने सब्र के मेयार में कमी नहीं की, सब्र के मेयार में। देखिए अपने अपनी शायरी की जिंदगी के बेहतरीन मतलों में से एक, सबसे बेहतरीन मतला मैं हाजिर कर रहा हूँ आप लोगों के समातों के हवाले। समात करें ताज भाई, सुनिएगा। वफा ने सब्र के मेयार में कमी नहीं की के एक प्यास ने दरिया से बात भी नहीं की, वफा ने सब्र के मेयार में कमी नहीं की के एक प्यास ने दरिया से बात भी नहीं की, हर एक खुलूस गले से लगा लिया मैंने, हर एक खुलूस गले से लगा लिया मैंने, मगर अली तेरे दुश्मन से दोस्ती नहीं की, हरे खुलूस गले से लगा लिया मैंने, मगर अली तेरे दुश्मन से दोस्ती नहीं की। अनीस भाई शेर हाजिर कर रहा हूँ, देखिए अपने मिजाज का शेर पेश कर रहा हूँ, और महफिल के मिजाज का ये शेर नहीं है, मगर मैं हाजिर कर रहा हूँ अपने मिजाज का शेर, और उम्मीद है कि आप सुनेंगे उसे महसूस करेंगे। वफा ने सब्र के मेयार में कमी नहीं की के एक प्यास ने दरिया से बात भी नहीं की, हरे खुलूस गले से लगा लिया मैंने, मगर अली तेरे दुश्मन से दोस्ती नहीं की, मगर अली तेरे दुश्मन से दोस्ती नहीं की, वरक पे प्यास का एहसास हमको लिखना था, वरक पे प्यास का एहसास हमको लिखना था, सो हमने अपने ख्यालों में भी नमी नहीं की, बहुत अच्छा मिसरा है, शुक्रिया। वरक पे प्यास का वफा ने सब्र के मेयार में कमी नहीं की के एक प्यास ने दरिया से बात भी नहीं की, वरक पे प्यास का
एहसास हमको लिखना था, सो हमने अपने ख्यालों में भी नमी नहीं की, हमारी फिक्र की मंजिल वो एक करबोबला। सुनिएगा, हमारी फिक्र की मंजिल वो एक करबोबला कि हमने चारों दिशाओं में शायरी नहीं की, हमने चारों दिशाओं में शायरी नहीं की, हमारी फिक्र की मंजिल वो एक करबोबला कि हमने चारों दिशाओं में शायरी नहीं की। बहुत अच्छा है बाबा। हमारी फिक्र की मंजिल वो एक करबोबला, हमारी फिक्र की मंजिल वो एक करबोबला कि हमने चारों दिशाओं में शायरी नहीं की। अब अनीस भाई वो शेर हाजिर कर रहा हूँ जिसके लिए जहमत दी है मैंने, सुनिएगा। वफा ने सब्र के मियार में कमी नहीं की, कि एक प्यास ने दरिया से बात भी नहीं की, हमारी फिक्र की मंजिल वो एक करबोबला कि हमने चारों दिशाओं में शायरी नहीं की। कमर भाई फिर एक रन सरे दरबार देखती दुनिया, सुनिएगा, फिर एक रन सरे दरबार देखती दुनिया, कहो यजीद ने बैयत की बात ही नहीं की। फिर एक रन सरे दरबार देखती दुनिया, फिर एक रन सरे दरबार देखती दुनिया, कहो यजीद ने बैयत की बात ही नहीं की। वफा ने सब्र के मेयार में कमी नहीं की, के एक प्यास ने दरिया से बात भी नहीं की। बहुत